देखिए, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, जिनका हम मोस्टली चैप्टर में यूज करने वाले हैं। कुछ क्या होता है जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह, कई बार क्या होता है कि उस चीज का ऑलवेज यूज करेंगे। तो जैसे कि आप मेनली कुछ बेसिक चीजों में हमारे पास जो चीज आती है वो एक तो होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। ये दो चीजें बार बार यूज होंगी हमारे पास। तो सिर्फ यहाँ पर आपके लेवल के लिए, जैसे क्लास 9th 10th लेवल तक, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, जैसे कि बेसिक इंटीग्रेशन जो हमारे लिए यूज होने वाली है सिर्फ उतना यूज करेंगे। बाकी आप हायर क्लासेस में जैसे आप क्लास वन प्लस टू में अपना पढ़ेंगे, तो देखो भाई आप बेसिक क्लास में हम इसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन को लेके चलो। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक क्वांटिटी को एक स्मॉल क्वांटिटीज में ब्रेक कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसको हमने क्या कर दिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट बड़े पार्ट्स को क्या कर दिया, छोटे छोटे में डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब ये जिसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है dy/dx। यहाँ पर आप ब्रैकेट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो लिखेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा आपके पास कि भैया मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी की, बात कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी होती है तो क्या होती है, dx/dt। हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो एक तरह से डिफरेंशिएशन यही होता है कि इट इज द स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी में स्मॉल चेंज की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज होने लग रहा है, उस चेंज को क्या बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। मतलब ये हो गया, अगर मैं टाइम में चेंज करूंगा तो भाई इसमें वेलोसिटी में चेंज होगा कितना चेंज होगा, या फिर मैं बोल दूं भाई इस टाइम के चेंज की वजह से इस एक्स में पोजिशन में कितना चेंज आने लग रहा है उस चेंज की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर होगा कि चेंज इन पोजिशन। तो आप कह सकते हो कि एक क्वांटिटी में चेंज की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज होने लग रहा है उसको बोलते हैं भाई डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है d/dx इनटू एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर d/dt आपके पास, यहाँ पर क्या हो गया d/dt इनटू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया भैया कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं भाई, एक्स को। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, द टाइम पीरियड, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, टाइम पीरियड। मतलब कि हो गया भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सॉरी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करने लग रहे हैं कि भाई अगर मैं टाइम चेंज करने लग रहा हूं तो पोजिशन में क्या चेंज आने लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं टाइम चेंज कर रहा हूं तो मेरी पोजिशन में क्या चेंज आने लग रहा है। सो यही होता है डिफरेंशिएशन का, किसी एक क्वांटिटी को चेंज करूंगा तो उसके ऊपर रखी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज होती है। जैसे आप एक और देख ले, एसोलेशन होता है, एसोलेशन हो तो ये होता है आपके पास कि अगर मैं बात कर लू भाई एसोलेशन की, a=dv/dt लिखते हैं भाई एसोलेशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज होने लग रहा है टाइम के साथ, कि भाई जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो वेलोसिटी में भी क्या चेंज हो रहा है। तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे जिनको हम इजिली सोल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंशिएशन का सबसे पहला रूल है दैट द पावर रूल। पावर रूल में क्या होगा कि जिस भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसकी पहली पावर, जैसे मैंने कहते हैं कि x रेज़ टू पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना है, x की पावर n को मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, तो इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा कि जो इसकी पावर है वो सबसे पहले आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, वो आगे हो जाएगी, फिर बाद में जो वेरिएबल है वो एस चीज आ जाएगा एक्स, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट बाय द वन, वन से क्या हो जाएगी भाई, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी एन एक्स पावर एन माइनस ऑफ एक्स। उसके बाद एक छोटी सी क्वांटिटी और लिखते हैं हम, वो क्वांटिटी क्या होती है कि सिंपल सी क्वांटिटी, जैसे कि इनटू दोबारा से अब जो रह गया, अब एक्स क्योंकि अब तो ये सिर्फ पावर खत्म हुआ है, अब इसके बाद फिर से एक बार लिखेंगे हम डी। अब हमने सबसे पहले कर लिया पावर का, पावर के बाद जो अंदर फिजिकल क्वांटिटी है जैसे एक्स है, अब उसका करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास dx/dx। लेकिन ये दोनों क्या भाई सेम है, तो इसके लिए सब कुछ क्या कर देते हैं, कैंसिल। अगर मान लो यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा तो उसको हम यहाँ पर डिफरेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक है भाई, जैसे यहाँ पे dx/dx है तो ये वन हो गया, मान लो यहाँ पर y होता तो dx/dy
डी वाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पर कि दैट इज द एन एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक्स रेस्ट टू पावर टेन को डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो अभी बताया कि नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम है, तो उसी का तरीका होगा कि पावर आपने आगे ले ली है, क्या हो गया टेन, आगे आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन, एन यहाँ पर टेन हो गया तो टेन माइनस वन कितना हो जाएगा, टेन एक्स रेस्ट टू पावर नाइन हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट होकर आगे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टेन एक्स रेस्ट टू पावर नाइन। दूसरा जो इसका रूल होता है, हम बेसिक बेसिक बात करेंगे, कुछ भी और ज्यादा नहीं करेंगे, उसका होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एडिशन का मतलब यहाँ पर प्लस साइन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर माइनस साइन भी हो सकता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई प्लस है तो प्लस ही होगा, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जहां पर भी प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग हमने मैंने मान लिया है, जैसे तीन क्वांटिटी है रूट लग रही है यू वी और डब्ल्यू, और उनका डिफरेंशिएशन करने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में उनका डिफरेंशिएशन करने लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अब तीनों क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे पहले हम इसका यू का हो जाएगा, फिर प्लस माइनस के साथ वी का, फिर प्लस माइनस के साथ डब्ल्यू का। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तीनों का अलग अलग करेंगे, अलग अलग जो वैल्यू आएंगे फिर उसको हम सोल्व करेंगे। एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है कि एक्स रेस टू पावर टेन, एक तो यहाँ पर ये ले लिया भाई, एक तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये हो गई है एक्स की पावर टेन, दूसरी एक्स रेस टू पावर फाइव, एक्स रेस टू पावर थ्री। अब ये तीनों अलग अलग हो गए आपके पास, इनको एड भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब इसने बोला कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, मे बी डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तीनों को अलग अलग करेंगे, x की पावर 10 को भी अलग करेंगे, x की पावर 5 को भी अलग करेंगे, x की पावर 3 को भी, जैसे तीनों अलग अलग होंगे अब एक पावर रूल के द्वारा फिर वापस इनको क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे। जैसे 10x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 इंटरनल रूल से क्या करते हैं फिर इनको ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज अ मल्टीप्लाई, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अब मल्टीप्लाई रूल में क्या होता है भाई, अब दो फंक्शन यहां पर मल्टीप्लाई हो, अभी तो भाई यहां पर क्या था, दो फंक्शन ऐड थे, यहां पर सिंगल फंक्शन था, लेकिन अगर दो फंक्शन u और v, कोई भी दो फंक्शन यहाँ पर, जैसे भाई एक अलजेब्रा फंक्शन हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाए, या कोई और दो डिफरेंट फंक्शन हो जाए, जब दोनों डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर होंगे तो कैसे रूल लगेगा, अब उस रूल के लिए देखिए। तो जैसे अगर यू और वी दो मल्टीपल है तो क्या करेंगे कि पहले वाला एज इज रहेगा, जस्ट के इसको मैंने कि जो फर्स्ट है उस फर्स्ट को मैंने रख दिया एज इज। अब देखिए जैसे आप इसको कर दिया भाई यू और वी दो मल्टीपल है, जब दोनों मल्टीपल है तो मैं क्या करूंगा कि u को एज इज रखूंगा, v का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, v यहां पर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं यहां सिर्फ u और v लिखा दो, u और v होंगे नहीं, यहां पर u अलजेब्रा भी हो सकता है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, एनी कुछ फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर आपके पास बेटा ये जो u पहले वाला जो फंक्शन है उसको एज इज रखा, दूसरे का मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस साइन के साथ यहां पर आएगा। अब जो जिसका डिफरेंशिएशन किया था वो तो एस चीज रहेगा, उसको अब नहीं करेंगे अब, लेकिन जिसको हमने एस चीज रखा था उसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि उल्टा हो जाएगा कि जिसका पहले डिफरेंशिएशन किया था वो तो बाहर हो जाएगा और जो एस चीज था वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीजों अपने मल्टीप्लाई में हो गई है, सिंपली अब इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर आपके पास हो गया, अगर कोई भी मान लो कि कुछ ऐसा हो कि भाई हाँ कोई कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में, भाई कोई भी चीज है कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में हो गया, तो उसके लिए बताएंगे भाई एग्जांपल के तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज द कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, सेकेंड एक्स हो जाएगा सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स हो जाएगा, और जो कोसेकेंड एक्स होगा वो माइनस ऑफ कोसेकेंड कोट एक्स हो जाएगा। उसके बाद दो रहते हैं अपने पास, टेंजेंट एक्स हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा भाई, ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसके डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज चीज रहेगा कि जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ई रेस टू पावर एक्स। अगर टेन आपके पास कुछ भी हो, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जो इसका अगर स्केल के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब क्या करेंगे, बस जैसे नॉर्मल थे आपके पास, लेकिन अगर कोई भी एक स्केलर हो और स्केलर के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तब क्या करेंगे। जैसे कि छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हो गया कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक्स की पावर भाई भाई डिफरेंशिएट, आपको इधर की डिफरेंशिएट करो 3x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे कि भाई सिंपली वही जो हमारा रूल होगा dy dx 3x की पावर 5। लेकिन एक चीज अब यहां पर क्या हो गया, दो फंक्शन है, ये आपके पास भाई कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर ये वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में, जैसे किसमें भैया मल्टीप्लाई में, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और फिर अंदर वाली चीज से क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, तो सिंपली आप इसको सोल्व करोगे 3 इंटू, अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो आपके पास ये हो जाएगा 15 एक्स की पावर 4। ये एक तरह का मल्टीपल हो गया, दो फंक्शन हो गए भाई, यहाँ पर ये वेरिएबल फंक्शन था, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई में, तब कैसे किया, तब ये होगा कि कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, बाहर आ जाती है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होगा आपके पास एस टी हो गया अब ये। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आराज होता है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू अकेली हो, किसी चीज के साथ उसका कोई भी मतलब नहीं हो, मल्टीपल ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो कैसी हो भाई, अकेली वैल्यू, ठीक है भाई, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तब क्या होगा। तो एक चीज रिमाइंड कर लेना कि द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा क्या रहेगा भाई, ऑलवेज जीरो, कैसा रहेगा वो, जीरो रहेगा। जैसे मैंने कह दिया भाई 4 का डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d4 अपॉन dx, क्या हो जाएगा d4 अपॉन dx। लेकिन यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई और फंक्शन या कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। जब तक कोई भी वेरिएबल या कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर जीरो लिख सकते हो, दैट वैल्यू विल बी जीरो। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। इसी तरह से जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन को यूज किया उसी तरह से हम किसको यूज करेंगे भाई, इंटीग्रेशन को, है कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या भाई, इन्वर्ट है, लेकिन यूज कहां होता है, अलग अलग जगह पे। किसी चीज का अगर हमें ये निकालना हो कि भाई एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में कितना चेंज होगा, तब तो निकालेंगे डिफरेंशिएशन, और ये दे रखा है भाई एक में इतना चेंज होने लग रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगी। अगर टोटल वैल्यू की बात करते हैं तब हम उसका करेंगे भाई इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, हर एक चीज को मिक्सअप कर देना, मिला देना, और डिफरेंशिएट का मतलब अलग अलग करना। सो ये बात होता है कि भाई यहाँ पर चेंज होने लग रहा है, चेंज का रिस्पेक्ट में था, तो वहां पर क्या होगा भाई एक में चेंज हो गया तो टोटल वैल्यू की बात करेंगे, भाई इसमें इतना चेंज हो रहा था बताओ टोटल वैल्यू क्या होगी उसकी, तो टोटल वैल्यू की बात करेंगे। सो हम बात करेंगे अब इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि इन दोनों का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हमें बार बार यूज करना है हमारी फिजिक्स में, बहुत जगह पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका हम क्या करेंगे, बहुत बार बार क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी चीज में हम आगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डिफरेंस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, सिंपल बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, बस वही चीजें जो इसका ही है, बाकी वैसे ज्यादा और कुछ भी नहीं, जितना हमारे लिए यूजफुल होगा, बाकी अगर कहीं और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे भाई, ये चीज क्या है, क्यों आई है, वो चीज क्या हो जाएगी, ये एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करें थे इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि भाई डिफरेंशिएशन में हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करते हैं या फिर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में चेंज करते हैं, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है कि एक फंक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम चेंज नहीं बल्कि हम क्या कर रहे हैं, टोटल चेंज कर रहे हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स में। तो यहाँ पर सिंपली हम बात कर लेते भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या नहीं है, तो डिनोट इसको कैसे नोट किया जाता है, उसमें तो जब डिफरेंशिएशन को यूज कर रहे थे डी बाई डी एक्स से, भाई डिफरेंशिएशन हम कैसे यूज कर रहे थे डी बाई डी एक्स से, यहाँ हम इसको डी से यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एरो साइन यूज करेंगे,
ठीक है भाई, जैसे ये आपके पास बना हुआ है यहाँ पर बना रखे कुछ इस तरह का, ये वाला साइन हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन, उसमें यहाँ पर फंक्शन कोई भी था यहाँ पर, और dx यहाँ पर डिविजन dx वैल्यू डिविजन में थी, लेकिन यहाँ पर dx वैल्यू कहाँ पर आ गई अभी मल्टीप्लाई में, सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया कि जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई थी वो डिविजन में चली गई और डिविजन में वो मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिक दो चीजें होंगी, और दो चीजें क्या क्या होंगी, ये इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती, कहां तक जा रहे हैं कहीं तक जा सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। लेकिन डेफिनेट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एक्स वन हो गया, यहाँ पर एक एक्स टू हो गया, तो सिर्फ वो दो पॉइंट की जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू विल बी कैलकुलेट इन बिटवीन दीज टू पॉइंट, पॉइंट एक्स वन और पॉइंट एक्स टू, सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच में हम इसको यूज करेंगे, बाकी किसी पॉइंट के बीच हम इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे कि बात क्या हुई है कि अब ये चीज है कि दो पॉइंट के बीच हम इसको यूज कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे आपको बोल दिया भाई तीन से चार के बीच में, चार से पांच के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन, और एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी समेशन पढ़ी होगी, समेशन में क्या होता है कि समेशन भी ऐड करना होता है, इंटीग्रेशन भी ऐड करना होता है। लेकिन समेशन में क्या होता है कि हम जो वैल्यू ऐड करते हैं वो 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में इसे कहते हैं भाई इंटीग्रेट करो दो से तीन के बीच में, तो दो से तीन के बीच का मतलब होगा उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं, टू से थ्री के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें एड अप हो जाएगी। सो उसी बेसिस पर ये आपका इनडेफिनेट होता है और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब एक वैल्यू फिक्स होगी और इनडेफिनेट का मतलब ये इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। अब मैं पहले इनडेफिनेट की बात कर लेता हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल आप डेफिनेट के करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि एफ एक्स, पहली चीज मान ली मैंने कि हम पहले यूज करेंगे फंक्शन मान लिया, उससे डिफरेंशिएशन की तरह से यहाँ पर ही फंक्शन क्या होगा मेरा एक्स रेज टू पावर एन हो गया। तो एक्स रेज टू पावर एन हो गया, तो इसका सबसे पहला जो बेसिक रूल होता है वो यही होता है कि आपके पास कोई भी जो फंक्शन गिवन है उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में था कि पहले पावर आगे आई थी, लेकिन यहां पर पावर बाद में जाएगी, लेकिन वो मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि किसमें आएगी, डिविजन में, उससे पहले। अब उसमें जो काम बाद में था वो काम यहाँ पर पहले होगा, मतलब उसमें क्या हुआ था कि पावर पहले आगे आई थी, बाद में पावर को सबट्रैक्ट किया था। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि पहले पावर को ऐड करेंगे, जैसे कि आपकी एक्स टू पावर एन है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर विल बी एड अप बाय वन, उसमें सबट्रैक्ट हुई थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, एड हो जाएगी। द पावर इज एड बाय वन कि एक्स टू पावर एन थी, तो यहाँ पर एक्स टू पावर एन प्लस वन। अब जो ये पावर आई है एड करने के बाद, दिस पावर विल कम इन द डिनोमिनेटर, कि जो उसमें तो क्या था भाई मल्टीप्लाई में चली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर किसमें आ गए भाई, नीचे आ गए, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा प्लस सी, सी मीन्स एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होता है भाई, जीरो। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ क्या होगा कि वो जीरो हो सकता है, किसी कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, वो स्टोर करने पर बाद में पता लगेगा, लेकिन इसलिए आप क्या करेंगे कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही आएगा, जिसमें लिमिट्स नहीं होती है, जिसमें लिमिट नहीं होती है, जिसमें लिमिट की वैल्यू दे रखी है कि भाई मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया हूँ, वहां पर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है, वही नहीं आएगी। लेकिन इनडेफिनेट में हमेशा आप कॉन्स्टेंट वैल्यू सी को यूज करोगे। तो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर कि एक्स रेज टू पावर 9 डीएक्स, कि एक्स की पावर 9 दे रखी है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1 आपके पास यहाँ पर होगा, तो टोटल होगा एक्स पावर 10 प्लस डिवाइड बाई 10 प्लस सी, कोई भी कॉन्स्टेंट। दूसरा रूल उसी तरह से जब आपका एडिशन, जिस तरह से आपने उसमें किया था, सेम यहाँ पर एडिशन रूल लगेगा यहाँ पर कि यू वी डब्ल्यू तीन फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, कोई भी तीन फंक्शन दे रखे हो, तीनों फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऐड करने लगा, सिंपली ऐड हो तो ठीक है, नहीं अलग अलग हो रहे हैं तो हम उसको अलग करेंगे। अब देखिए यू वीडियो पर तो सबसे पहले आप उनको अलग अलग कर लेंगे, जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन में किया था, यू वी डब्ल्यू तीनों क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए। जब तीनों अलग हो गए तो फिर उसको अलग अलग क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन जैसे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं एक्स की पावर 5 प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 3 डीएक्स, ये हो गया। तो ये आपके पास हो गया एक्स रेज टू पावर 5 डीएक्स प्लस एक्स रेज टू पावर डीएक्स एक्स पावर 3 डीएक्स, अलग अलग हो गए तीनों,
और फिर तीनों की क्या कर दिया मैंने, इनको अलग अलग सोल्व। इसका इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर 6 प्लस डिवाइड बाय 6, यहां पर इसका क्या x स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 9, यहां पर इसका क्या x स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, कांस्टेंट वैल्यू यहां पर मैंने इसको के तीनों की कंबाइंड कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है वो यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से डिफरेंशिएशन मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें बताई थी कि भाई इन चीजों में तो याद रखने ही रखने हैं कि कुछ भी हो सकते हैं, तो देखो e^ex का यहां पर भी इंटीग्रेशन था वहां पर भी सेम रहा, तो ये चीज सेम रहेगी आपके पास। sin x यहां पर sin x डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x, लेकिन यहां पर sin x है तो उसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहां पर इस साइड जो माइनस था उधर चला गया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, sin x, ठीक है। सेम ऐसे ही tangent x का डिफरेंशिएशन secant square x था, secant square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, tangent x। सेम ये आपके पास होगा कि cot x का जो डिफरेंशिएशन था माइनस ऑफ cosecant square x था, तो माइनस को मैं इधर ले आया तो cosecant square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x plus c। सेम यहाँ पर secant x था आपके पास, secant x tangent x dx, और लास्ट में आपके पास cosecant x cot x यहाँ पर जाएगा माइनस ऑफ cot x ना cosecant x plus c। तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस हैं जिनका हमें बार बार मोस्ट वाले चैप्टर में या फिर जो भी आगे जैसे हम जितने भी काम करेंगे थोड़ा थोड़ा यूज होता रहेगा, तो हम आपको जहां जहां इनका यूज होगा वहां पर अगर कोई और ज्यादा अगर ज्यादा ही यूज होने वाली चीज आ गई तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये सब बेसिक्स है तो इतना जितना आपको यहाँ पर दिया गया है तो वो तो आप करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई क्या कुछ होता है, तो जहां पर हमने हमारा लास्ट या प्रीवियस चैप्टर छोड़ा था कि भाई क्या चीज थी ये, भाई हमें आइसोलेशन के जो ग्राफ वगैरह बन रहे थे, तो अब उन ग्राफिकल मेथड से ही, क्योंकि बेसिक क्या था कि भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आइसोलेशन, अब उनके बेसिस पर दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा ले लें जिसमें डिफरेंशिएशन का काम पड़ जाए, एक क्वेश्चन ऐसा ले जिसमें हम इंटीग्रेशन का काम पड़ जाए, तो उसी तरह से दोनों तीन क्वेश्चन की जो वेराइटीज होंगी वो हम डिफरेंट डिफरेंट सोल्व कर लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या क्वेश्चन हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी क्वेश्चन के बेसिस पर, क्योंकि इसमें अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा अच्छे से सोल्व। तो इसमें क्या रखिए, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, कि एक पार्टिकल अपनी पोजिशन को चेंज करने लग रहा है टाइम के साथ साथ, और कैसे चेंज करने लग रहे हैं वो यहाँ पर इसे लिख रखा है कि द x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ पर ये a आपके पास हो गया a प्लस बी टी स्क्वायर, इस रेट से आपके पास चेंज होने लग रहा है इस इक्वेशन के बेसिस पर, वो क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बता रखा है कि a और b कांस्टेंट है, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8.5 मीटर और b की वैल्यू देखिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए कह रखा है, और ये वो टाइम दे रखा है एट द टाइम t इज इन द सेकंड, सेकंड में ले रखा है। अब बोला भाई कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करवा रखा है पर भाई वेलोसिटी निकालनी है आपको जब टाइम जीरो था, कि जब उसका टाइम जीरो था उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो दिमाग में क्वेश्चन होगा जब टाइम ही जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी, नहीं जरूरी नहीं क्या हो सकता है भाई, कुछ और भी क्वेश्चन दे रहे, कुछ और भी चेंज कर रखा हो, जनरली मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, पहले इसको करेंगे फिर एक और क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर देख लेंगे, और टाइम आपके पास दो सेकेंड हो तब क्या होगा, या फिर टाइम की वैल्यू आपके पास जीरो हो गई है, फिर कुछ रखा है एसेलेशन, जब एसेलेशन कब कुछ रखा है, जब टाइम जीरो था या फिर टाइम फोर सेकेंड था, दोनों केस में, तो हम दोनों केस में कैलकुलेट करेंगे भाई कैसे कैसे होगा। तो देखो आपको पता है कि वेलोसिटी जब निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास dx अपॉन dt। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पोजिशन का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पोजिशन का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या होगा भाई, जैसे आपको पता है कि dx by dt कर रहे हैं, तो dx का मतलब यहां पर हमारी पोजिशन है गिवन x की वैल्यू, तो पुट करेंगे कि d upon dt into a plus bt square। अब यहां पर सबसे पहला कौन सा रूल लगेगा भाई, एडिशन रूल लगेगा, तो एडिशन रूल में आपके पास हो जाएगा dA upon dt plus d upon dt bt square, ये चीज हो जाएगी आपके पास, ये क्या हो जाएगा भाई bt square। देखिए तो यहां पर आपके पास था भाई, तो ये हो गया आपके पास bt square, इतना हो गया। सो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बस दोबारा से लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है,
पहले होगा आपके पास जैसे डी ए अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब देखो आपको मैंने बताया था जब मैं कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, जीरो। तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है आपके पास वेलोसिटी प्लस बी से प्लस का साइन है। अब यहाँ पर बी क्योंकि बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में जब भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो क्या हो जाएगी वो बाहर आएगी, तो इसका मतलब यहाँ ही है बी डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। अब आपके पास बच जाएगा टी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, आप इसे सोल्व करेंगे तो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास बचेगा बी। और अब टी स्क्वायर का अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एक्स की पावर एन कुछ भी हो और उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर होता है एम एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बेटा यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की अगर कोई भी चीज चेंज होती है ये नहीं कि भाई चेंज हो गया तो कुछ नया फंक्शन होगा, यहाँ पर ये कुछ भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उस फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये ए बी सी डी एफ आई जेड कुछ भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना है, कंसेप्ट वही यूज होगा, फॉर्मूला वही यूज होगा, रूल वही यूज हो चुका, सिर्फ क्या होगा वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। कोई मान लो कि न्यूमेरिकल नहीं हो, उसके साथ साथ ये कोई वेरिएबल भी चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो रूल होगा वही यूज होगा। टी स्क्वायर तो यहाँ पर देखो पावर आगे आ जाएगी तो पावर आगे तो हो जाएगा टू और ये हो जाएगा टी, लास्ट में डी टी अपॉन डी टी वो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, जैसे अगर दोबारा से करेंगे तो डी टी अपॉन डी टी कैंसिल होकर वन हो जाएगा, ये वन होगा तो अपने पास वेलोसिटी क्या निकल गया, ये दैट इज द टू बी टी, ये क्या निकल गया अपने पास वेलोसिटी। अब आप पुट कर सकते हो जब टाइम की वैल्यू जीरो थी उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई जीरो, और जब टाइम की वैल्यू टू थी उस टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, आप यहाँ पर पुट करो तो टी की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल पुट करोगे टू मल्टीप्लाई एट पॉइंट सॉरी टू पॉइंट फाइव 2.5 मल्टीप्लाई और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास भाई 2 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई 10 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द 2 सेकंड, ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 सेकंड उसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का भाई सीधी बात है कि हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन भाई आपको जैसे आप अपनी वेलोसिटी निकाली है, अब इसी वेलोसिटी को हम डायरेक्टली यूज करें तो ये आपको पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो गया। तो अब आपने वी की वैल्यू कितनी यूज किया पर टू बी टी, क्योंकि ये निकालो तो यही से तो वेलोसिटी उसी की कितनी भाई, ए किस चीज से अलग अलग होते हैं तो सोचते भाई अलग अलग है, तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू d upon dt and that is the 2bt हो गया। अब देखो पुट करो यहाँ पर सोल्व करोगे तो 2b दोनों कांस्टेंट है, d कम आउटसाइड एंड द बिकम dt upon dt, d कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, तो इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन कितना बचेगा भाई 2b बचेगा, कितना बच गया आपके पास एक्सेलरेशन 2b, ये वेलोसिटी थी हमारे पास और ये एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई 2b। आप मुझे ये बताओ क्या इस एक्सेलरेशन में कहीं पर भी टाइम की कोई वैल्यू कोई भी वेरिएबल है और कोई भी टर्म है टाइम की नहीं है, तो टाइम की जो कोई भी टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू आप सिर्फ पुट करोगे यहाँ पर, तो बी की वैल्यू पुट करने पर 2 इनटू 2.5 मींस दैट इज 4 सॉरी 5 दैट इज द 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो चाहे टाइम उसका 0 रहे या टाइम उसका 4 सेकंड रहे या 20 सेकंड रहे, मतलब क्या हो गया उसकी जो वेलोसिटी हो ना सॉरी एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए कैसा भी टाइम, तो यहाँ पर टाइम की कोई टर्म ये भी कह सकते हैं भाई 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद, यहाँ पर तो टाइम की कोई टर्म ही नहीं आई है, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा भाई कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मान अब ऐसा हो जाए कुछ कि भाई ये तो चलो सिंपल था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चेंज करने पर क्या हो गया कि मैंने इसको लिख दिया कि भाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, यही चीज हो गई सिर्फ आपके पास ये चीज हो गई, चेंज कर दिया कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, तो आप इसको सोल्व करने पर आपको देखेंगे वेलोसिटी अलग आएगी और एक्सेलरेशन में भी कुछ ना कुछ क्या आएगा भाई चेंज आएगा,
तो सेम एक चीज निकालने पर जब स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम क्या चीज होगी, वो सब इसको कैलकुलेट करो। देखो एक्स की अगर बात कर ले, जब एक्स की बात कर ली भाई, तो एक्स आपके पास गिवन सिंपली यही है, तो वेलोसिटी जब निकालेंगे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा। d की बात कर लेते हैं, d अपॉन dt st पुट कर दिया, at स्क्वायर प्लस bt सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपके पास निकल के आएगा 2at प्लस 3b t स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी भाई। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी v निकल के आया दैट इज द 2at प्लस 3b t स्क्वायर, ये वेलोसिटी निकल के आई है। जब पुट करोगे टाइम t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहां पर आप पुट करो वेलोसिटी, जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये भी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। दूसरी चीज है कि जब टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहां पर भैया आपके पास हो जाएगा 2, वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जब 2 पुट करोगे यहां पर तो 2 2 = 4 a प्लस यहां पर पुट करोगे आप तो 2 का स्क्वायर 4 3 बनाओ 12। अब a और b की वैल्यू यहां से आप पुट कर लो, तो इसमें जब a और b की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे मैं आपने v की वैल्यू a की वैल्यू आपके पास पुट कर दी 8.5 और b की वैल्यू आपने 5 पुट कर दी 2.5, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर आपके पास आंसर निकल के आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू क्या होगी भैया, चेंज हो गई है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो भैया हो जाएगा 832 और 230 34 प्लस और ये हो जाएगा 2430 हो गई, मतलब कितना निकल गया भाई वो 64 मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन को चेंज किया वैल्यू भी क्या हुई है चेंज किया। अब इसने पूछा भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो ए का फॉर्मूला वही होता है हमारे पास डीवी अपॉन डीटी होता है। जब आपके पास ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी होगा तो सेम वी की वैल्यू अब ये पुट करेंगे, ये तो जिसकी भी मैं पोजिशन की और ये इसकी वैल्यू है वेलोसिटी, तो d अपॉन dt 2at प्लस 3b t स्क्वायर सॉल्व करो, इसको पहले अलग अलग करेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं भाई 2as is dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3bs is t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2t, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कि द एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू द भाई यहाँ पर ये एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल ए से नोट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ए आ गया यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो मैं इसको कैपिटल ए से नोट कर रहा हूँ एक्सेलरेशन को, कि द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द 2a प्लस 6bt हो गया। अब आप पुट कर सकते हो कि जब आप ए की वैल्यू पुट करोगे तो भाई जब टाइम इनिशियली जब t 0 था तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप पुट करोगे 0 तो क्या a क्या निकल जाएगा 2a, जब t की वैल्यू 0 0 सेकंड तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई अपने पास 2a ठीक है, और जब t की वैल्यू मैंने कह दिया भाई जैसे इसने 4 सेकंड ले रखा है तो a की वैल्यू आप पुट करोगे तो 2a प्लस t पर 24b पुट कर ले दैट विल बी द आंसर, मींस ये हुआ कि अगर आपका फंक्शन चेंज होता है सारी वैल्यू चेंज हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एग्जाम्पल था वही तरह किसका था भाई डिफरेंशिएशन का ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके बुक में है तो आप उनकी क्या करें भाई प्रैक्टिस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि जब इमोशन जो भी पार्टिकल मोशन में जाने लग रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है भाई इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीन होती है बेसिक इक्वेशन, द फर्स्ट वन v इज इक्वल टू यू प्लस at, दूसरी होती है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीन इक्वेशन होती है। इन तीनों इक्वेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे ड्राइव होते हैं, इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकती है, और एक और होती है आपके पास कि इनसे डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टेंस निकाला, मैंने कहता है कि भाई 9 सेकंड चला बताओ 10वीं सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, या फिर इस तरह की कोई भी जो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए वो इनके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।